अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जान रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही आज की व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं कुछ सरफ सरफ जो है वो लिख रही हूँ, ये सारा मैंने लिख लिया है। ये जो सौदा है ये हमारी मंथली होता है जो हर मंथ लेते हैं, तो मैं अभी बाज़ार जा रही हूँ सारे सामान लेने के लिए। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि हर मंथ कौन कौन सा जो सौदा है वो हम लेकर आते हैं। तो अभी चलते हैं, ये मैंने लिख लिया है और साथ में कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो भी कर रही है। वैसे तो गर्मी काफ़ी है लेकिन जो काम है वो ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहते हैं काम भी, इसलिए गर्मी और सर्दी को नहीं देखते हैं और चलते हैं। तो अभी हम लोग जो है रास्ते में हैं। आज हम फिर बाइक क्या लेके जा रहे हैं, मुड़े नीचे बैठे हैं, ये मुड़े लेकर जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जारी बात है, मजदूरी करते हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है स्टोर में आ चुके हैं जहाँ से मैंने सामान जो है उसकी ख़रीदारी करनी है। कुछ सामान मैंने पहले ही रख दिया है जैसे सर्फ हो गया, साबुन वगैरह जो है। तो पहले तो जो सारा घर का सामान होता था वो फजर के बाबा लेकर आते थे, लेकिन अभी जो है ये कभी कोई चीज़ भूल जाते थे, कभी कोई चीज़ भूल जाते थे, तो इसलिए मैंने कहा आइंदा से जो घर का सारा सामान है जब आप लेने जाएंगे मैं खुद साथ जाऊंगी, तो आज मैं खुद ही आई। तो ये सारा सामान मैंने देखा हुआ है इसके ऊपर और फिर मैं यहाँ से उठा लेती हूँ और यहाँ पे रख लेती हूँ आराम से यहाँ पर। वैसे मैं फ़र्स्ट बार आई हूँ इस तरह सामान लेने के लिए, सर्फ मैंने ले लिए। अभी मैंने लेनी है दाल और साथ में बाकी जो सवैयाँ दाल चनी इस तरह के काफ़ी सामान जो यहाँ पे नहीं है उस साइड पे लगा हुआ होगा। मेहमानों के लिए भी सवैयाँ और वैसे भी फाइव और फजर को हम लोग दूध में भी बना कर देते हैं, अदरवाइज़ तो हम अपनी देसी सवैयाँ ही खाते हैं जो हम आटे में बनाते हैं। ये पूरे मंथ का राशन होता है और वैसे भी माशाल्लाह से हमारी जो फैमिली है वो भी बड़ी सारी फैमिली है, दो तीन फैमिली है मिलाओ तो फिर एक हमारी फैमिली है। ये जड़ा मिर्च साथ में, इस तरह मूंग की दाल नहीं लेनी है, वो पहले वाली पड़ी हुई है, दाल चने लेनी है और सफेद चने। और ये चाय है जो मैंने ज़रूर लेनी है क्योंकि ये मैं खुद पीती हूँ, ये मैं कभी नहीं बोल सकती हूँ, मेरी फेवरेट होती है चाय, इसलिए ये जो है। चीनी पड़ी हुई है, चीनी थोड़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है चाय में, दूध में, और साथ में अभी गर्मी है तो मीठा जो शरबत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। कोई मेहमान आ जाए तो यहाँ पर भी जो है गाँव में ज़्यादा शिकंजी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वही इस्तेमाल होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सारा सामान है वो कम्प्लीट हो चुके हैं, तो अभी इसका बिल बनवाते हैं। अभी देखते हैं कि बिल कितना ज़्यादा होता है, पहले गर्मी से यहाँ के बाहर निकले हुए बाकी बिल देख के निकल रहे हैं। तो यहाँ पे खवातीन के इस्तेमाल करने के लिए भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, नेल पॉलिश और इस तरह की बाकी जो भी सामान होता है सब कुछ पड़ा है, लेकिन जो है मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा, जस्ट एक फेयर एंड लवली जो है वही ली है क्योंकि मैं ज़्यादा जो है मेकअप वगैरह यहाँ पे इतना ज़्यादा जो पड़ा हुआ है मैं मेकअप जो है वो इतना नहीं करती हूँ, बस सिंपल और सादा ही रहती हूँ। और यहाँ पर दो मोटू और एक पतलू भी है। सामान जो है वो मैंने घर का ख़रीद लिया, लेकिन यहाँ पर ना थोड़े से ये भालू वगैरह और गुड़िया पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये बच्चों के लिए देख लेते हैं, वैसे उनको लेकर दें फजर लोग तो ख़राब कर देती है। मैंने अभी तक मोहम्मद सुबान को कोई खिलौना नहीं लेकर दिया, इसलिए क्योंकि फजर और फायका सभी मिलके ना उसकी चीज़ों को ऐसे बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे वो पड़े हुए थे सामान और भी काफ़ी रहता है किचन का जो है लेने वाला, लेकिन मैं वो नहीं लूँगी क्योंकि फ़िलहाल जो
इतनी बड़ी और इतनी लंबी लिस्ट सौदे की बन गई है। पहले जो हमने ख़रीद लिया, तो मैंने फजल के बाबा को कहा कि आप थोड़ा सा मुझे बर्तनों वाली साइड पे विज़िट करने दे, लेकर बेशक ना दे लेकिन थोड़ा बहुत मुझे देखने दे ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा मैंने कौन कौन सी चीज़ें किचन के लिए मुझे लेनी है। तो इंशाल्लाह जब न्यू किचन बनाएंगे तो इसके उसके लिए चीज़ें भी फिर नहीं लेनी है, इसलिए मैं थोड़ा विज़िट कर रही हूँ। वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है, ये जगह जगह पर भालू पड़े हुए हैं इस साइड पर बच्चों के जो है। और अभी अलहमदिल्ला हम घर वापस जा रहे हैं, सीढ़ी से सामान जो मैंने किचन के लिए लेना था वो सारे ले लिए हैं। प्याज काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हमने पानी नहीं पिया सीढ़ी से, और अभी घर जाकर पानी पिए क्योंकि बस सामान जो है वो घर में था, इसलिए फिर मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से वापस घर करना चाहिए कि फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। फजल खड़ी है, क्या कर रही हो? और अभी सबसे पहले जो है मैं मोहम्मद सुबान को खाऊंगी। ऐसे में बाइक पे बैठे बैठे बातें करना शुरू हो गई क्योंकि गर्मी काफ़ी है और मेरे उससे बात नहीं हो रही है। ये सारा सामान जो है ना वो गिर रहा है, लिस्ट जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और सामान जो है वो ये सामान है थोड़ा सा और इतनी लंबी लिस्ट है। और अभी चलते हैं मोहम्मद सुबान के पास। गर्मी की वजह से ना मेरी आंखें नहीं खुल रही और ऐसे जो चेहरा है वो भी नीला काला हो गया। फजल के बाबा जो हैं वो मोहम्मद सुबान के पास पहुँच चुके हैं और मोहम्मद सुबान जो है वो क्या कर रहे हैं? मोहम्मद क्या कर रहे हो? मोहम्मद क्या कर रहे हो? खेल रहा है। क्या कर रहे हो मोहम्मद? मोहम्मद तो जब भी मैं आती हूँ तो मोहम्मद जो है फर्स्ट मुझे देखते हैं, थोड़ा खुश हो जाता है, चाहे जितना भी खुश हो मुझे देखकर ज़्यादा खुश हो जाता है। सारी बात की मैं माँ जो हूँ और ये मेरा बेटा छोटा भूत बड़ा बड़ा भूत बड़ा हुआ है। अच्छा क्या कर रही हो? दूध पिए, दूध पिए। और मोहम्मद ने